तो हे गाइस और बूम, ब्लैक विडो का फाइनल ट्रेलर आ चुका है। और जैसा कि अभी तक के ट्रेलर्स में हमें काफी सिमिलर शॉट्स देखने को मिले थे, तो इस ट्रेलर में भी कहानी कुछ वैसी ही है। बट यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो कि ध्यान देने वाले हैं, और अपनी इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात ये तो साफ है कि टास्क मास्टर भी मार्वल फैन है, और वो भी कट्टर मार्वल फैन। उसने सारी एमसीयू की मूवी देख रखी है, ना ही सिर्फ देखी है बल्कि इम्प्लीमेंट भी की है अपनी लाइफ में। ट्रेलर में हमें साफ दिखता है कि टास्क मास्टर किस तरह से अपने सुपर हीरोज को अच्छी तरह कॉपी करता है, और यार आयरन मैन 2 तो साफ साफ देख भी रहा है। तो ब्लैक विडो के पहले ट्रेलर से ही ये बात साफ थी कि टास्क मास्टर कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा वाला फैन है। पहले ट्रेलर में ये लड़ने का स्टाइल, फिर सेकेंड ट्रेलर में ये हवा में घूमना, और फाइनल ट्रेलर में तो यार शील्ड के साथ ये स्टंट्स, जो कि बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के तरह ही मूव्स है। उसके बाद नजर डालते हैं दोस्तों इस लैंडिंग पे, तो यार कुछ याद आया? आयरन मैन 3 से टोनी की लैंडिंग भी बिल्कुल इसके जैसी ही थी, बट यार ये किक और जंप ये स्पाइडरमैन की तरह है। और भाई ये ब्लैक पैंथर वाला वकांडा फॉरएवर वाला पोज, और यहाँ तो वाइब्रेनियम के क्लॉज भी है। अब सोचने वाली बात ये है कि टास्क मास्टर के पास वाइब्रेनियम आया कहाँ से? क्या टास्क मास्टर क्लॉ से मिला था? क्योंकि ये मूवी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्लॉ उस टाइम जिंदा था। और अगर हम नजर डालें रेड रूम में इतनी सारी ब्लैक विडोज पे, तो यहाँ पे बहुत वैरायटी है, बहुत अलग अलग कंट्रीज की लड़कियाँ यहाँ पे हमें दिख सकती है। तो हो सकता है कि टास्क मास्टर के पास कोई ऐसी लड़की भी हो जो कि वकांडा से हो। अब चलते हैं इस सीन पे जहाँ हम देख सकते हैं कि यलीना पकड़ी गई है और कोई उसे इंजेक्शन दे रहा है। ये देखने में तो बहुत नॉर्मल सा सीन लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इस इक्विपमेंट में लिखा है AIM, एम, और मार्वल में एम का मतलब है एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स, जिसे हम आयरन मैन 3 में पहले देख चुके हैं, जिसका लीडर था एल्ड्रिच किलियन। और अगर ध्यान से देखें तो यलीना के फेस पे हम ये लाइंस देख सकते हैं, और ये लाइंस प्लास्टिक सर्जरी के टाइम पे ही बनाई जाती है। और ध्यान रहे दोस्तों कि यलीना ये ऑपरेशन अपनी मर्जी से नहीं करवा रही है, उसे किडनैप करके यहाँ लाया गया है, बट क्यों? और रूमर्स ये भी आए थे कि मार्वल स्कारलेट जोहानसन के जैसे ही हाइट और फिगर वाली एक लड़की को साइन करने की कोशिश कर रहा है, बट क्यों? तो हो सकता है दोस्तों कि इसके पीछे थंडरबोल्ट रॉस का हाथ हो। उसने ही एक नकली नताशा रोमानॉफ एवेंजर्स की टीम में भेजी ताकि वो कैप्टन और फाल्कन बाकी सारे एवेंजर्स पे नजर रख सके। क्या इसीलिए इन्फिनिटी वॉर के टाइम नताशा के बाल पूरे ब्लॉन्ड थे और उसने ये जैकेट पहना था? तो क्या इसका मतलब ये है कि नताशा जिंदा है और वॉर्मियर पे नताशा नहीं यलीना मरी थी? और अब इस सीन की बात करें तो मुझे लगता है ये मूवी का क्लाइमैक्स सीन है, और ये सीन देखकर यार तो एक ही बात मन में आ रही है। तो दोस्तों ये थे वो पॉइंट्स जो इस ट्रेलर में इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे। तो आपको क्या लगता है कि टास्क मास्टर कौन है? डीएज रॉस का इस मूवी में क्या रोल होगा? और क्या नताशा जिंदा है? अब ये तो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचें, टेक केयर।